नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करना चाहेंगे कि ऐसे युवा किसान के बारे में जिन्होंने अपने गन्ने की फसल के साथ सह फसली लेकर 10 लाख का उसमें उत्पादन लिया। किसान भाइयों, आइए हम आपको मिलाना चाहेंगे लखीमपुर के एक किसान के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। हाँ जी, आप अपना जो पूरा विस्तार दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका फार्म लग रहा है? जी, मेरा फार्म साना फार्म है, लखीमपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने आपका देख रहे हैं गन्ने का प्लॉट काफी हरा भरा प्लॉट भी है और देख रहे हैं काफी दूरी भी आपने ली है, आपने किस प्रकार से इसमें जो सैपल्सली ली, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने 10 लाख की इसमें इनकम अरेंज की पर ईयर में, तो आप कैसा क्या आपने ऐसे कार्य किए जिससे कि आपको जो इसका जो आपकी जो एक बोनिफाइट है जो आपको एक इनकम प्राप्त हुई वो 10 लाख रुपया प्राप्त हुई? इसमें हमने पहले तो आलू की फसल लिया है जो है इसमें जी, अक्टूबर के माह में लगाया था तो दिसंबर में आलू की खुदाई किया हमने इसमें। अच्छा जी, उसके बाद इसकी दूरी जो है वही हमारी 4-4.5 फीट है इसकी दूरी। आपके कहने का मतलब है कि आपने जब गन्ने की बिजाई की तो आपने इसके साथ आलू की सह फसली ली जी, आलू की सह फसली जैसे आपने ली तो ये आपकी क्या दूरी है जिससे आपने जो इसमें आलू की फसल आप ले सके जी? इसकी 4-4.5 फीट दूरी है इसकी। जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, इन्होंने ये बीज जो अपनी जो गन्ने के बीज की दूरी है 4-4.5 फीट इन्होंने की बीज की दूरी है, जिससे कि जो आलू की फसल ली वो काफी अच्छी आलू की फसल भी प्राप्त हुई और दूरी भी काफी अच्छी है। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे जो इन्होंने 2 रोप आस पास में लगाई है, देख पा रहे होंगे करीब इनकी बीच की दूरी आप देख पा रहे होंगे करीब 22-23 इंच की बीच की दूरी है, उसके बाद 4.5 फीट इसकी जो बीच की मध्य दूरी है इसके बीच में इन्होंने आलू की फसल ली। और आपको किस प्रकार का इसका उत्पादन प्राप्त हुआ जो आपने आलू की सह फसली ली इसमें, आपको कैसा उत्पादन प्राप्त हुआ? अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ इसमें। अच्छा, तो आपने मतलब कि जो आलू की हमने नया बीज लगाया था इसमें 1400। ये जैसे किसान भाई आप देख पा रहे होंगे हमारे जो किसान भाई, इन्होंने जो गन्ना प्रजाति COLK 1400 जो हमारे गन्ना शोध कक्षा लखनऊ द्वारा विकसित है गन्ने की अर्ली किस्म है, इसका इसके बीच में फसली के साथ इसका उत्पादन लिया जो कि काफी अच्छा गन्ना भी है, देख पा रहे होंगे काफी गन्ना भी अच्छा। आलू की इसमें फसल ली, आलू की फसल से आपको कितना मतलब उत्पादन प्राप्त हुआ और किस रेट में आपका आलू जो बिका है? आलू का उत्पादन वही हमारा 100-110 क्विंटल के करीब निकला है एकड़ का जो है। हाँ जी, और इसमें वही खाद का हमने जो है प्रयोग किया, वही 8 बोरी इसमें सुपर की डाली थी। हाँ जी, और 3 बोरी हमारी दही की डाली थी इसमें। हाँ जी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब आपने गन्ना बुआई की है तो आपको जो आलू के जो आपने खाद डाली वही खाद का प्रयोग आपका इस फसल में? वही गन्ने में उसका मतलब असर देखने को। हाँ जी, हाँ जी। जैसे किसान भाई इन्होंने बताया कि जो इन्होंने आलू बुआई के समय जो खादों का प्रयोग किया उन्हीं का फायदा इन्होंने इस गन्ने में भी लिया, जैसे कि इन्होंने 8 बोरी सुपर का डाली और 3 बोरी डाई डाली और 1 बोरी पोटास की डाली, तो किसान भाई जो इन्होंने अच्छी मात्रा में जो अपने आलू की बिजाई समय जो खाद दी है उनका जो एक अच्छा लाभ है हमारे गन्ने में भी देखने को मिला है। इन्होंने बताया कि इन खादों के अलावा इन्होंने इस गन्ने में कोई अदर खाद भी नहीं दी, जैसे आप देख पा रहे हो गन्ने की क्वालिटी, आप देख पा रहे हो कितनी शानदार गन्ने की क्वालिटी है, हरे भरे आगोले हैं, कोई ऐसा कोई रोग भी देखने को नहीं मिला। किसान भाइयों, इसके साथ साथ इन्होंने जो मतलब कि इसमें फंगीसाइड का स्प्रे किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आलू की फसल में 2 प्रकार के ब्लाइट लगते हैं, एक तो अर्ली ब्लाइट लगता है और दूसरा लेट ब्लाइट लगता है, तो उसमें हमें किसी ना किसी ऐसी फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। किसान भाई जो इन्होंने वो फंगीसाइड प्रयोग किए हैं अपनी आलू की फसल में, उसका जो लाभ है हमारे गन्ने में फसल में काफी अच्छा देखने को मिला है और देख पा रहे काफी शानदार लंबाई है, करीब 13 फीट का गन्ना करीब इनका हो चुका है। ये सितंबर का पहला वीक चल रहा है किसान भाई, अभी भी मान सकते हैं आप इसकी गन्ने की जो लंबाई है 2-2.5 फीट अभी और भी बढ़नी बाकी है। और आपने इसके साथ और भी कोई सह फसली ली थी? जी, इसमें हमने बाद में भिंडी लगाया था जनवरी के माह में। अच्छा, 8 जनवरी। तो आपने जो भिंडी लगाया था मतलब कि आपने जैसे आलू की खुदाई कर ली उसके बाद आपने इस खेत को पत्ती छोड़ दिया, आपने खाली गन्ने की फसल पर ही ध्यान दिया होगा, उसके बाद आपने किस टाइम में इसमें जो भिंडी की फसल ली? जी, जनवरी के लास्ट माह में, मतलब लास्ट वीक में हमने लगाया था इसमें भिंडी। जैसा किसान भाई इन्होंने बताया कि इन्होंने जनवरी के लास्ट हफ्ते में इसमें जो भिंडी का बीच में भिंडी लगा दी गई, जैसा कि आप देख पा रहे काफी अच्छा स्पेस भी है इसका, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से लाभ भी उठाया है कि जो स्पेस का उसका अच्छा फायदा लेकर इसमें भिंडी की फसल भी ली है। आपको भिंडी के से कितना उत्पादन बढ़ा, कितने पैसे का आपको लाभ हुआ? जी, भिंडी में वही हमारा जो पर डे का वही 5-6 हजार के करीब निकलता रहा जो। अच्छा, था एक तोड़ाई में आपको 5-6 हजार रुपया प्राप्त होता था? किसान भाई जैसे इन्होंने बताया कि इनके जो पर एकड़ के पीछे जो ये एक तोड़ाई करते थे उसे 5-6 हजार रुपया प्राप्त होता था। किसान भाइयों, और आपने भिंडी की फसल कितने टाइम तक ली है इसमें? जी, इसका वही हमने 2-2.5 महीने तक रखा था भिंडी। किसान भाई जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जो भिंडी का उत्पादन लिया इस
गन्ने की फसल में 2 से 2.5 महीने का लिया, जैसे कि जो इन्होंने सह फसली ली आप टोटल कर सकते हैं करीब इसे 4 से 4.5 लाख रुपए इन्होंने सह फसली के तौर पर जो अपना प्राप्त कर लिया। किसान भाई जैसे कि आप जाते हैं क्योंकि बाद में गन्ने पे भी थोड़ा नुकसान होने लगा। अच्छा 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 किसान भाई जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफी अग्रेसिव फार्मर है, तो ये इस बात का भी ध्यान देते हैं कि जो ये सह फसली ले रहे हैं उनका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे गन्ने की फसल पर ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने समय रहते ही जो अपनी भिंडी का जो उत्पादन इनमें लिया उनको समय रहते ही इसी भी बीच में हटा दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो इसके जो भिंडी की फसल ली उसमें आप इन्होंने जो निराई गुड़ाई की आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हमारे जो खेत बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार का कोई खरपतवार भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ क्रियाएं करते थे जो इसमें जो निराई गुड़ाई करते थे उनका लाभ कहने के इनके गन्नों को भी मिला था। जैसे कि आप जानते हैं किसान भाइयों हमारे जो गन्ने की फसल है उसमें काफी हद तक जो लेबर की लागत लगती है, आप जानते होंगे कि जब हम गन्ना बुआई करते हैं तब से लेकर के गन्ना सिलाई तक काफी लेबर लगती है। इन्होंने देख पा रहे हैं इन्होंने काफी अच्छे से मिट्टी भी गन्ने में चढ़ाई है, देख पा रहे हैं काफी ऊंची ऊंची मिट्टी चढ़ाई है। तो ये कुछ इनके जो लागत है अगर हमें सह फसली के तौर पर वो निकल रही है तो किसान भाई इससे अच्छा लाभ हमारे किसान भाइयों को और कुछ नहीं मिल सकता। किसान भाइयों को अपनी जेब से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जो भी किसान भाई ऐसे अक्टूबर माह में अपने गन्ने की बिजाई करें वो सह फसली के तौर पर, जैसे कि हमारे किसान भाई ने बहुत ही कम उम्र में और 10 लाख रुपए बहुत ही अच्छी इनकम होती है किसान भाइयों, जो 10 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से हमारी जो इनकम होती है एक काफी अच्छी इनकम मानी जाती है। गन्ने का रेट भी हमारा सही रहा जो इसमें वही 1500 के हिसाब से क्विंटल। किसान भाई जैसे कि इन्होंने बताया कि ये गन्ना प्रजाति COL के 14201 है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पिछले वर्ष काफी अच्छा रेट भी था क्योंकि अभी अभी हाल ही में विकसित की गई गन्ना की एक अर्ली किस्म है, गन्ने का जो काफी मात्रा में जो बीज कम था इसलिए जो किसान भाई इनको जो इसका रेट है वो भी काफी अच्छा मिलने को मिला। करीब इन्होंने जो इसका गन्ने का रेट है 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा था। आपको इस गन्ने का उत्पादन पिछले साल कितना देखने को मिला था? पिछले साल वही 400-450 के करीब निकला, अब की जो है हमें लग रहा है कि 550 के प्लस ही जाएगा। अच्छा अच्छा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार आपको गन्ना आपका अच्छा देखने को मिल रहा है। किसान भाई आइए आपको पूरा प्लॉट टहला के दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हरा भरा आपको गन्ना देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कोई एक ही गन्ना है, बाकी सब गन्ने भी आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छी हाइट लेकर गन्ने तैयार हुए हैं और गन्ने की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे किसान भाई कितनी जबरदस्त गन्ने की क्वालिटी है। गन्ना भी आपका मोटा है, गन्ने की टिल्लिंग देख पा रहे हो तो गन्ने की टिल्लिंग भी लाजवाब आपको देखने को मिल रही होगी, गन्ने की टिल्लिंग देख पा रहे हो काफी अच्छा हष्टपुष्ट गन्ना है। और किसान भाई अब ऐसे भी आप लोग भी जो भी आप सह फसली के तौर पर जो भी आप करना चाहेंगे वो भी आप ले सकते हैं, उसके साथ साथ अपने गन्ने का उत्पादन भी एक अच्छा ले सकते हैं। किसान भाइयों ये कुछ किसान भाइयों अगर जैसे कि इन्होंने पिछले साल भी हमारे किसान भाइयों को इसका बीज वितरण किया था, अगर हमारे कोई भी किसान भाई गन्ना प्रजाति COL के 14201 से इच्छुक हो तो इनके फार्म से बीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर दे दिए जाएंगे, इनके फार्म के नंबर दे दिए जाएंगे, आप कोई भी किसान भाई जो हमारे इस गन्ने की प्रजाति का बीज आ रहा है तो इनसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस बार क्या आप रेट रखेंगे जो इस गन्ने की है, कोई ऐसा कोई रेट है जो हमारे किसान भाई को बताना चाहेंगे कि आप इस गन्ने प्रजाति का जो रेट रखेंगे? जी इस साल रेट यही 1250 के हिसाब से प्रति क्विंटल। अच्छा अच्छा जैसे किसान भाइयों इस बार जो हमारे जो रेट दिए गए हैं 14% द्वारा 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से दिए गए, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं ये आपको 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका बीज प्राप्त कराएंगे। अगर कोई किसान भाई हमारा जो 14201 का बीज प्राप्त करना चाहता तो इनके फार्म से आकर सीधे इनके फार्म से बीज प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी इस प्रकार आप भी अपनी जो गन्ने के बीज में सह फसली लेकर एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी गन्ने से संबंधित नई नई जानकारियां आती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती हैं। धन्यवाद।